everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj Sir. Today we are discussing new topic, that is internal checks. Internal check is related to auditing. First of all, आपको पता होना चाहिए कि internal check का मतलब क्या होता है. Internal check जो है ये एक auditing का एक part है. Internal check जो कॉन्सेप्ट है ये एक फ्योल के प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ लेबर पे बेस है. डिवीजन ऑफ लेबर फ्योल का प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ लेबर. इंटरनल चेक कॉन्सेप्ट इज अ बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर मींस वर्क इज डिवाइडेड टू एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नॉलेज स्किल्स. इन business houses the work connected with the preparation and maintenance of accounts is distributed among the various members of the staff in accordance with their distinctive qualification. देखिए बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस को चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जरूरत होती है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है. बिजनेस को चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट की जरूरत होती है. तो जिस तरीके की एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसके हिसाब से बिजनेसमैन एम्प्लॉयज को वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है. आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है कि हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो, ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत है जो एमबीए प्लस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो. लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी है MBA प्लस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो, लेकिन वहां पर हम HR स्पेशलिस्ट रख लेंगे, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाएगा? क्या उसको मार्केटिंग की नॉलेज होगी? नहीं होगी. इसलिए इंटरनल चेक जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है? डिवीजन ऑफ लेबर पे. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप उनको किस तरीके से वर्क दे रहे हैं. एम्प्लॉयज को अगर आप वर्क, एम्प्लॉयज की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट है उस फील्ड में आप एम्प्लॉयज को काम देंगे, तभी एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकेगा, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा. इंटरनल चेक जो कॉन्सेप्ट है ये किस में है? ऑडिटिंग में है. ने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस का अलग अलग साइज होता है. कहीं स्मॉल साइज का बिजनेस होता है, कोई मीडियम साइज का बिजनेस होता है, कोई लार्ज साइज का बिजनेस होता है. तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑडिटर सारा काम कर ले ऑडिटिंग से रिलेटेड? अब बिजनेस में कितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, डेली बेसिस में कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रही हैं, इनकम हो रहे हैं, कितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन सब ट्रांजैक्शंस को ऑडिटर खुद रिकॉर्ड कर सके, खुद मेंटेन कर सके, खुद अकाउंट्स बना सके? ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो ऑडिटर क्या करता है, जिस तरीके की एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग जो है ऑडिटर वर्क दे देता है. जैसे मान लो कोई जर्नल एंट्री में परफेक्ट है, उसको जर्नल एंट्री बनाने के लिए दे दी. जो लेजर में परफेक्ट है उसको लेजर बनाने के लिए दे दिया. जो ट्रायल बैलेंस में परफेक्ट है उसको ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए दे दिया. जो बैलेंस शीट में परफेक्ट है उसको बैलेंस शीट बनाने के लिए दे दी. वन पर्सन एंटर्स ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स. एक पर्सन क्या करता है, जर्नल एंट्री में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको एंटर करता है, यानी कि रिकॉर्ड करता है. व्हाइल अदर परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू पोस्टिंग. एक पर्सन क्या करता है,
जनरल एंट्री में एंट्री पास करता है, दूसरा पर्सन क्या करता है पोस्टिंग करता है यानी कि लेजर बनाता है, फिर हैंडलिंग कैश एंड एंट्रिंग कैश ट्रांजेक्शंस इन अ कैश बुक, कि जितना भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं कोई कैश बुक बनाता है, जो बैलेंस शीट में परफेक्ट है वो बैलेंस शीट बनाता है। इंटरनल चेक मींस वर्क इज डिवाइडेड टू एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नॉलेज एंड स्किल। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑडिटर सारे ट्रांजेक्शन सारी बुक्स सारे अकाउंट्स को बना सके, नहीं पॉसिबल है। ऑडिटर तो बुक्स को वेरीफाई करता है, चेक करता है, देखता है कि जो भी अकाउंट्स बने हैं बुक्स बनी है क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनी है, तो जिस तरीके की स्टाफ की क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है ऑडिटर वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जो जर्नल एंट्री में परफेक्ट है जर्नल एंट्री का काम दे रहा है, जो लेजर में परफेक्ट है लेजर का काम दे रहा है, जो ट्रायल बैलेंस में एक्सपर्ट है उसको ट्रायल बैलेंस का वर्क दे रहा है, जो बैलेंस शीट बनाने में परफेक्ट है उसको बैलेंस शीट बनाने के लिए दे रहा है। अब आप सोचोगे इससे फायदा क्या है, अब एक बात मैं आपको बताता हूं। मान लो हम जैसे हम कह रहे हैं कि इंटरनल चेक किस पे बेस्ड है, डिवीजन ऑफ लेबर पे है। जैसे ऑडिटर जो जर्नल एंट्री में परफेक्ट है उसको क्या दे रहा है जर्नल एंट्री का काम दे रहा है, तो उससे क्या होगा कि अब जो एक बंदा है यानी कि एक एम्प्लॉय स्टाफ मेंबर जर्नल एंट्री में परफेक्ट है वो जर्नल एंट्री का काम करेगा, तो उससे क्या होगा जर्नल एंट्री में जितनी भी रिकॉर्डिंग हो रही है वो गलत तरीके से नहीं करेगा, क्योंकि उसको जर्नल एंट्री के रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स पता है कि किस तरीके से जो एंट्रीज है जर्नल बुक में ओरिजिनल एंट्री बुक में पास करनी है। और उससे यह भी फायदा है कि वो एम्प्लॉय जो है स्पेशलाइज्ड हो जाएगा किसमें जर्नल एंट्री में, तो इससे क्या होता है इंटरनल चेक से यह भी फायदा होता है कि एम्प्लॉय जो है एक फील्ड में उसकी क्या हो जाती है स्पेशलाइजेशन हो जाती है परफेक्ट हो जाता है। सो इससे क्या होता है कि जिस तरीके के एम्प्लॉय है उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को वर्क दिया जा रहा है, जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन है नॉलेज है स्किल है कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वर्क दिया जा रहा है, तो एम्प्लॉय उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा तो काम भी टाइम पे होगा, काम भी अच्छा होगा, कोई एरर भी नहीं होंगे, फ्रॉड भी नहीं होंगे, और ऑडिट का जो रिजल्ट है वो भी क्या आएगा एक्यूरेट आएगा परफेक्ट आएगा। Now we are discussing definition of internal check. अब हम discuss कर रहे हैं कि internal check की definition क्या है। According to D. Paul and internal check means practically a continuous internal audit carried on by the staff itself. Means of which the work of each individual distributed among us accordance with their qualification. According to D. Paul, internal check means a continuous audit. Audit क्या देखे हमने डिस्कस किया है कि बिजनेस क्या होता है कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, बिजनेस में डेली ट्रांजेक्शंस होते हैं, परचेज हो रही है सेल हो रही है एक्सपेंसेस हो रहे हैं इनकम हो रहे हैं, कई सारे डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शंस होते हैं। इसी तरीके से जो है जो ऑडिट का काम भी जो होता है वो क्या होता है डेली बेसिस में हो रहा है। अकॉर्डिंग टू डी पॉल इंटरनल चेक मीन्स प्रैक्टिकली A continuous internal audit carried by the staff itself कि audit का काम जो है continuous चलता है routine basis पे चलता है, कौन करते हैं staff member जिसकी जैसी qualification है, जैसे हमने पहले भी discuss किया था जो journal entry में perfect है उसको journal entry बनाने के लिए दे रहे हैं, जो laser में perfect है उसको laser बनाने के लिए दे रहे हैं, जो ट्रायल बैलेंस में परफेक्ट है उसको ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए दे रहे हैं, जो बैलेंस शीट में परफेक्ट है वो बैलेंस शीट बना रहा है। कहने का मतलब ये है कि इंटरनल चेक कॉन्सेप्ट इज बेस्ड
ऑन फ्यूल प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ लेबर. इट मींस वर्क इज डिवाइडेड टू एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन स्किल्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. बिजनेस क्या होता है? बिजनेस क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है. बिजनेस में रेगुलर बेसिस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन सब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना और जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ऑडिटर वर्क देता है. और जब वर्क जो है जिस काम में जो बंदा परफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर वर्क ऑडिटर डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्टाफ मेंबर्स को, तो उससे क्या होगा, वर्क भी अच्छे तरीके से होगा, टाइम भी कम लगेगी, कॉस्ट भी कम लगेगा और ऑडिटिंग का जो रिजल्ट है वो भी एक्यूरेट आएगा. सो अगेन आई एम स्पीकिंग डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू डी पोल एन इंटरनल चेक मींस प्रैक्टिकली अ कंटिन्यूस इंटरनल ऑडिट carried on by the staff itself, means of which the work of each individual distributed among us accordance with their qualification. So this is about a internal check. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. Please like, share and subscribe my channel and also press the bell icon. Thank you. Have a nice day.